नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नरसिंह का ओलंपिक खेलने का सपना टूटा, 4 साल का प्रतिबंध। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव को खेल पंचायत ने राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा उन्हें दी गई क्लीन चीट को खारिज करते हुए ओलंपिक से बाहर करने के साथ डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने नाडा द्वारा नरसिंह को दी गई क्लीन चीट के खिलाफ खेल पंचायत में अपील की थी। खेल पंचायत ने कल 4 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कहा कि नरसिंह यादव पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया जाता है और अगर उस पर अस्थायी निलंबन लगाया गया था तो वह अवधि इससे कम कर दी जाएगी। इसके अलावा 25 जून 2016 से लेकर अब तक नरसिंह के सभी प्रतिस्पर्धाओं में नतीजे खारिज हो जाएंगे और उनके पदक अंक पुरस्कार वापस ले लिए जाएंगे। सिंधु बोली, स्वर्ण पदक के लिए जान लगा दूंगी, महामुकाबला आज। ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने के बाद रोमांचित भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा कि वह देश के एकमात्र ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता के रूप में दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के सफर को खत्म करने के लिए उत्सुक है। विश्व चैंपियनशिप की 2 बार की कांस्य पदक विजेता सिंधु ने गुरुवार को 49 मिनट चले सेमीफाइनल में जापान की ऑल इंग्लैंड चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को 21-19, 21-10 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दुनिया की 10वें नंबर खिलाड़ी सिंधु आज फाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीय स्पेन की कैरोलिना मारिन से भिड़ेंगी। सिंधु ने कहा कि मेरा लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है और मैं इसके लिए अपनी जान लगा दूंगी। एसीबी ने डीसीडब्ल्यू कार्यालय की तलाशी ली, केजरीवाल नाराज। दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग के एक पूर्व सचिव और पैनल की एक पूर्व प्रमुख की शिकायतों पर आयोग के कार्यालय की तलाशी ली। इसे लेकर केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि छापेमारी दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है, लेकिन ऐसे कदम उनको खामोश नहीं कर सकते तथा वह बलिदान देने के लिए तैयार है। एसीबी के अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने आयोग को सूचित किया था कि वे 2 शिकायतों से संबंधित दस्तावेज को लेने के लिए आएंगे। एक शिकायत में मालीवाल पर आयोग के भीतर नियुक्तों में भाई भतीजावाद और पक्षपात का आरोप लगाया गया है तथा दूसरी शिकायत में आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप है।